नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है ऐतिहासिक नगरों की श्रेणी में। और आज बात करेंगे हम ऐतिहासिक नगर हांसी के बारे में, जो कि भारत के हरियाणा प्रांत का एक शहर है और हरियाणा के हिसार के नगर निगम का एक हिस्सा भी। हांसी का इतिहास भी बहुत पुराना है। अंग्रेजों ने उत्तरी भारत पर कब्जा करने के बाद राजस्व के खर्चों को कम करने के लिए एक छोटे छोटे जिलों से तंग करते हुए बड़े जिलों का निर्माण किया था। वहीं हांसी के सिर पर जिले का ताज खत्म करने की कोई प्रमाणिक तारीख तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 1870 से 80 के दशक में मध्य में अंग्रेजों ने हिसार जिला बना दिया। वह हांसी, फतेहाबाद, सिरसा आदि इलाकों में बैठ करके हिसार पर राज करने लगे। इतिहासकारों की अगर माने तो आयरलैंड से आए हुए जॉर्ज थॉमस ने हांसी को राजधानी बनाया था। हांसी दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यह मार्ग इस शहर को एक तरफ रोहतक तो दूसरी तरफ हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, बठिंडा आदि से जोड़ता है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते से प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ तक भी यहां से पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग तक जाने के लिए यहां से दो विकल्प हैं, पहला बरवाला से होकर तो दूसरा जींद से होकर कैथल। महम रोहतक के रास्ते रेल मार्ग परियोजना हाल ही में शिलान्यास किया गया है। निकटतम हवाई अड्डा हिसार है, लेकिन यहाँ से अभी उड़ानें बराबर नहीं हैं क्योंकि इस हवाई अड्डे का निर्माण अभी अधर में है। इसके बाद निकटतम हवाई अड्डा दिल्ली पड़ता है। यहाँ पर कई शिक्षण संस्थान और दर्शनीय स्थल भी हैं। कहा जाता है कि किसी समय में हांसी हरियाणा राज्य का राजधानी था। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने छीना था हांसी के सिर से राजधानी का ताज, जो अब भी जिला बनने की जदोहत में लगा हुआ है। देश में अंग्रेजों के आगमन से पहले जॉर्ज थॉमस के तौर पर हांसी शहर हरियाणा की राजधानी था और उत्तर भारत के दिल्ली परगटना जिसके अधीन प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में शुमार था। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने उत्तरी भारत में पैर पसारने के साथ ही हांसी जैसे केंद्र को ध्वस्त कर दिया और इसका विकास के मामले में पिछड़ना शुरू हो गया। 1857 के विद्रोह में इस क्षेत्र के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ जमकर लोहा लिया था। कुछ इतिहासकारों का तर्क ये भी है कि इस विद्रोह में हांसी ने अंग्रेज के यहीं से जो प्रशासनिक प्रक्रिया संभाला करते थे, लेकिन अंग्रेजी शासन से मुखालफत करने के कारण ही अंग्रेजों ने हांसी से जिले को और उसकी उपाधि छीन ली। वहीं इतिहासकारों के दूसरे पक्ष भी हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने उत्तरी भारत पर कब्जा करने के बाद राजस्व के खर्चों को कम करने के लिए छोटे जिलों को खत्म करते हुए बड़े जिलों का निर्माण किया और हांसी के सिर से जिले का ताज खत्म करने की फिलहाल कोई तारीख नहीं मिलती। लेकिन माना जाता है कि 1870 से 80 के बीच में अंग्रेजों ने हिसार को जिला बना दिया और हांसी, फतेहाबाद तथा सिरसा के इलाकों पर यहीं से बैठ करके राज चलाया करते थे। हरियाणा 1700 ईस्वी में पंजाब के मुखलिफ नक्शे पर मौजूद था और इस दौर में कई नक्शे जो आज भी मौजूद हैं जिनमें हांसी को हरियाणा की राजधानी दिखाया गया है। जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था और यहीं बैठ करके पूरे इलाके पर शासन चलाया। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली परगना के अधीन आने वाले हांसी जिले का ताज छीन लिया और हिसार को जिला घोषित कर दिया। यही नहीं, अकबर के समय में एक नक्शा भी मौजूद है जिसमें हांसी का मुगल काल के एक प्रमुख केंद्र के रूप में जिक्र किया गया है। हांसी में एक टकसाल हुआ करती थी जहां पर सिक्कों को बनाया जाता था। सामरिक महत्व को देखते हुए हांसी में ही मुगलों और अंग्रेजों द्वारा सैनिक छावनी भी बनाई गई थी, लेकिन पिछले करीबन 10 सालों से हांसी को जिला बनाने की फिर से मांग की जा रही है। हांसी को पूर्ण राजस्व जिला बनाने की मांग पूरे देश से और इस इलाके के लोगों ने बुलंद कर चुकी है और शायद ये मांगे इनकी जायज भी है, क्योंकि हांसी शहर किसी ज़माने में शौर्य का सबसे बड़ा उत्पादक था और अब अगर हांसी ज़िला बनता है तो यह पूरे प्रदेश में सबसे अधिक उन्नति करने वाला ज़िला हो जाएगा। हांसी कई कालों में प्रमुख केंद्र रहा है और उसके बाद से लगातार आबाद भी रहा, क्योंकि हर शासनकाल की निशानियां आज भी यहां मौजूद है।
इतिहासकार भूप सिंह राजपूत के अनुसार हांसी में धागा मिलों की छोटी व बड़ी करीबन 15 इकाइयां थी और हांसी में करीबन 45 ऑयल मिलें भी चला करती थी। इसमें हजारों लोगों को यहां रोजगार भी मिला करता था। अब धागा मिलें भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ऑयल मिलें सिमट करके 8 से 10 रह गई। हांसी को जिला बनाने की मांग अवश्य पूरी होनी चाहिए। इसके लिए संघर्ष करने वाली समितियों द्वारा प्रदेश की सरकारों के पास कई बार जिला बनाने की मांग और मुद्दा उठाया जा चुका है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समक्ष जिला बनाने की मांग उठाई गई थी, लेकिन उन्होंने हांसी को जिला बनाने के लिए स्पष्ट इनकार कर दिया था। हुड्डा का तर्क था कि छोटे छोटे शहरों को जिला बनाए जाने के पक्ष में वे नहीं हैं। यही हाल कमोवेश हर राजनीतिक पार्टी का है। हालांकि वर्तमान में सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा समिति की आधी मांग पूरी करते हुए हांसी को पुलिस जिला बनाया गया, लेकिन पूर्ण राजस्व जिला बनाने की मांग पर भाजपा चुप है। हांसी में अनेक ऐतिहासिक स्मारक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्व रखते हैं। शहर में इनसे सबसे ऐतिहासिक स्थल है पृथ्वीराज चौहान का किला, जो करीबन 1000 साल से भी अधिक पुराना है। इसके अलावा तुगलक काल का बड़सी गेट, बाबा शेख फरीद की 4 कुतुब दरगाह है। कहा जाता है कि ये कुतुब दरगाह है, अगर एक और कुतुब इसमें होता तो ये मक्का मदीना से भी अधिक महत्वी होती, या फिर उतना ही महत्व यहाँ भी इसका होता। 1857 की क्रांति की गवाह लाल सड़क भी यहाँ मौजूद है। शहीदों की याद में बना शहीद स्मारक, आमटी झील और ऐतिहासिक समाधा मंदिर, कोस मीनार, मीर तिजारा के मकबरे, बाबा फरीद के बेटों के मकबरे आदि यहाँ प्रमुख ऐतिहासिक स्थल माने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के किले पर एक नहीं बल्कि अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं जो संरक्षण के अभाव में दिनों दिन बिखरते जा रहे हैं। हांसी में रोजगार व शिक्षा के बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। रोजगार की तलाश में युवाओं को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के मामले में भी शहर पिछड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बड़ा शैक्षणिक संस्थान इस शहर में नहीं है। पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को हिसार जाना पड़ता है। वहीं तकनीकी शिक्षा के मामले में भी यहाँ विकल्प शून्य के बराबर है। व्यापारियों के पलायन करने का कोई नया उद्योग स्थापित न हो पाना प्रमुख कारण माना जा रहा है, जिससे इलाके में रोजगार की विकट स्थिति भी पैदा हो गई है। कहा जाता है कि हांसी में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने हिंदुओं के साथ और सबसे बड़े राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इस हार के साथ हिंदू शासन का अंत हुआ और मुस्लिम शासकों की हुकूमत शुरू हो गई। मुस्लिम शासन के दौरान मुसलमानों में कोई भी धर्म या पंथ के लोग जो मुसलमान न हो उनको हांसी में रहने की आज्ञा नहीं थी, और इसका परिणाम यह हुआ कि हांसी ने पूरी तरह से अपनी अहमियत खो दी। उस समय दिल्ली तब तक भारत का एक सत्ता का केंद्र बन चुका था। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि हांसी का पतन हो रहा था, क्योंकि दिल्ली आने वाले समय में और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने वाला था। हांसी में मौजूद बरसी गेट यानी बरसी दरवाज़ा सल्तनतकालीन स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना माना जाता है। यहाँ पर इस तरह के 5 दरवाज़ों का निर्माण करवाया गया था। इन 5 दरवाज़ों से होकर के ही दिल्ली में प्रवेश किया जा सकता था। यह पूरे एक अभेद किले की तरह थे, जिनका निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बरसी दरवाजे के अलावा यहाँ पर दिल्ली दरवाज़ा, हिसार दरवाज़ा, गौसैन दरवाज़ा, बरसी दरवाज़ा जो दक्षिण में है, और उमरे दरवाजे के रास्ते दिल्ली में प्रवेश किया जा सकता था। वहीं बरसी दरवाजे को छोड़ करके बाकी सभी दरवाजे नष्ट हो चुके हैं। 1522 में इब्राहिम लोदी ने इस दरवाजे की फिर से मरम्मत करवाई। दोस्तों, ये था हांसी का इतिहास। एक बार फिर से हम आपके साथ लौटेंगे किसी ऐतिहासिक नगर के बारे में अनेक जानकारियां लेकर के। वैसे तो किसी भी शहर का इतिहास बहुत बड़ा होता है, उसकी जानकारियां भी बहुत होती है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होती है जो आपसे साझा करना बेहद ज़रूरी है। वो सब हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।